नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। अब बीजेपी उन कमियों को सुधारने में जुट गई है जिनका खामियाजा उपचुनाव में उठाना पड़ा। पहले नाराज कार्यकर्ताओं के लिए जन सुनवाई केंद्र शुरू किए गए और अब जल्द ही सरकार और संगठन में दलित और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी है। सरकार से सिर्फ उच्च जातियों की हितैषी होने का ठप्पा हटाया जा सके, ये फेरबदल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के यूपी दौरे के बाद देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री राजपूत तो प्रदेश में पार्टी के मुखिया ब्राह्मण, यानी सरकार से संगठन तक अगड़ी जातियों का जलवा। ऐसे में बीजेपी को लेकर अगड़ी जातियों वाला परसेप्शन बनना तो लाजमी है। अब बीजेपी के सामने इस घेरे को तोड़ने की चुनौती है, ताकि पार्टी ये दिखा सके कि बीजेपी को पिछड़े और दलितों की भी उतनी ही चिंता है जितनी बाकी जात जमात की। इसी को लेकर अब बारी योगी दरबार में दलितों और पिछड़ों के लिए कुर्सियां लगाने की है, जिससे संदेश दिया जा सके कि बीजेपी सरकार में हर जाति वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व मिलता है। योगी सरकार में जाति का वर्तमान गणित, मुख्यमंत्री ठाकुर, एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण और एक उप मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से। योगी कैबिनेट में ब्राह्मण क्षत्रियों समेत सवर्णों का दबदबा। सीएम योगी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत 8-8 ब्राह्मण और क्षत्रिय मंत्री। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ मिलाकर कुल 25 सवर्ण मंत्री हैं सरकार में। दूसरी तरफ 47 में से सिर्फ 16 पिछड़े और 4 दलित मंत्री हैं योगी सरकार में। सरकार में प्रतिनिधित्व के हिसाब से अगर जातिगत आंकड़े देखे जाएं तो बड़ी असमानता है। देखा जाए तो 22% आबादी वाले सवर्णों की भागीदारी सरकार में 50% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 40% से ज्यादा ओबीसी आबादी, ओबीसी की सरकार में भागीदारी 34%। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी लगभग 20-21%, लेकिन यूपी सरकार में दलितों की भागीदारी सिर्फ 8%। लेकिन लगभग 22% सवर्णों की सरकार में 50% से ज्यादा भागीदारी, यानी साफ है कि यूपी सरकार में दलित और पिछड़ों की भागीदारी जनसंख्या के हिसाब से काफी कम है। दलित और पिछड़ों की 62% आबादी को सिर्फ 42% प्रतिनिधित्व सरकार में मिला है। अगर इसमें मुस्लिमों को भी जोड़ लिया जाए तो लगभग 80% आबादी की सरकार में भागीदारी सिर्फ 44% है। 2019 के लिहाज से सरकार अब इस परसेप्शन को बदलने में जुट गई है। अगड़ी जाति के प्रभुत्व के ठप्पे को हटाकर सरकार पिछड़ों और दलित वर्ग के दूसरे लोगों को जल्द ही कैबिनेट विस्तार और फेरबदल में जगह दी जाएगी। फिलहाल योगी सरकार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों समेत 47 मंत्री हैं। यूपी में मंत्रियों की संख्या अधिकतम 60 हो सकती है, यानी अभी योगी सरकार में 13 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। गोरखपुर और फूलपुर की हार के बाद राज्यसभा चुनाव में 9 सीटें जीतने से बीजेपी को कुछ राहत के छींटे मिले। इसके बाद बीजेपी उन कमियों को सुधारने में लगी है जो उपचुनाव की हार की जद में मानी जा रही है, साथ ही जिनके सहारे 2019 में दिल्ली के दरवाजे पर फिर से दस्तक दी जा सके। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने केंद्रीय नेतृत्व को फीडबैक दिया। बीजेपी को यूपी में जीत पिछड़े वर्ग के वोटों के दम पर मिली, लेकिन पिछड़े वर्ग को उचित सियासी भागीदारी नहीं मिली। यानी साफ है कि अब योगी कैबिनेट में फेरबदल होगा और पिछड़े वर्ग के कुछ और नेताओं को योगी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। योगी सरकार में 60 की जा सकती है मंत्रियों की संख्या, 13 बाकी सीटों को पिछड़े वर्ग के नेताओं से भरा जा सकता है। किसी दलित जाटो चेहरे को भी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। 10 MLC सीटों को भी पिछड़े नेताओं से भरा जा सकता है। पिछड़े वर्ग के नेता स्वतंत्र देव सिंह को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। गिरिराज सिंह धर्मेश या आगरा से किसी और विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को बेहतर पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 11 यादव उम्मीदवारों को खड़ा किया, जिनमें से 9 को जीत मिली, लेकिन योगी सरकार में सिर्फ गिरीश चंद्र यादव को राज्य मंत्री बनाया गया। ऐसे में संभावना है कि किसी यादव चेहरे को कैबिनेट में शामिल किया जाए। फैजाबाद के रुदौली से विधायक रामचंद्र यादव को मंत्री बनाया जा सकता है, हालांकि हरनाथ सिंह यादव को राज्यसभा भेजा जा चुका है। सुभाष यादव को यूपी बीजेपी युवा मोर्चा का प्रमुख नियुक्त किया जा चुका है। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को विधान परिषद भेजकर मंत्री बनाया जा सकता है।
सैनी समाज से हरपाल सैनी, जसवंत सैनी, निषाद समाज से बाबूराम निषाद, गोरख निषाद, इसके अलावा महामंत्री अशोक कटारिया, विद्यासागर सोनकर, सलील बिश्नोई, अमरपाल मौर्य, प्रकाश पाल, धर्मवीर प्रजापति और अंजुला माहौर जैसे नेताओं को बढ़ाने की तैयारी है। सीएम योगी मंत्रियों के काम की समीक्षा करेंगे, जिसके बाद फेरबदल की प्रक्रिया होगी। सपा बसपा के वोट बैंक जाटों और यादवों को लुभाने के लिए भी सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।